क्या कभी कोई बैरियर आया है पढ़ाई में, क्योंकि लड़कियों को बैरियर बहुत फेस करना पड़ता है बीइंग अ मुस्लिम वुमन, मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखी? मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि आई कैन डू दैट। आई विल ऑलवेज से कैन नेवर गिव अप इन लाइफ, इवन अगर आप स्टडी भी कर रहे हो उसमें भी मत करो, और आपका कुछ अलग से कोई प्रोफेशन है या आप कुछ और काम कर रहे हो तो कभी गिव अप मत करो कहीं पर भी। प्री की तैयारी अलग से करें, प्री मेंस के साथ में? नहीं, प्री और मेंस के साथ में करना। तो संजीता जी, आपने धर्मा बैच को कब ज्वाइन किया, और जेलो के एग्जाम के दौरान ही शायद अपने वो बैच लॉन्च? हाँ, मैंने तभी ज्वाइन किया था। तो संजीता जी, आप एक रॉ स्टूडेंट जो जस्ट आया अभी कॉलेज में, या जुडिशरी की जस्ट प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, उसको कौन सा बेस्ट अप्रोच सजेस्ट करेंगे? तो आप रेडीमेड नोट्स को प्रेफर करते थे और या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे, या सेल्फ मेड नोट्स? सेल्फ मेड कितना भी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे हमने हस्बैंड्स देखे, फैमिली देखी, जो ना लड़कियों में ज्यादा विश्वास नहीं दिखाते, क्या कर लोगी, घर में अच्छा सब कुछ करी तो रही, कमा के दे तो रहा हूँ। उन हस्बैंड के लिए, उन फैमिली के लिए क्या मैसेज है कि क्यों आपको अपनी बीवी को, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए? किस तरह? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। आज का दौर तो ऐसा है कि पढ़ाओगे आप जितना कहीं ना कहीं सक्सेस करेगी।